बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कोरियोग्राफर सरोज खान ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। सरोज खान 80 और 90 के दशक में काफी मशहूर थी और लगभग हर फिल्म में वो गाने को कोरियोग्राफ कर रही थी। सलमान खान और आमिर खान की कल्ट क्लासिक कॉमेडी अंदाज अपना अपना के लिए भी सरोज खान ने कोरियोग्राफी की। हालांकि इस फिल्म के दौरान सरोज खान के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। असल में जब सरोज खान अंदाज अपना अपना का गाना ये चांद और ये धूरी कोरियोग्राफ कर रही थी तब सलमान खान उनसे अचानक नाराज हो गए। सलमान खान को शूटिंग के दौरान ऐसा लग रहा था कि सरोज खान आमिर खान को उनसे ज्यादा बेहतर स्टेप दे रही है और उन्हें एक जोकर के अंदाज में पेश कर रही है। सलमान खान सरोज खान से इतना नाराज हो गए कि उन्होंने कोरियोग्राफर को कह दिया, जब मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा तो तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगा। इसी के साथ सलमान खान ने सरोज को गाली भी दी। सलमान खान के इन शब्दों से सरोज खान को बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और वो काम करती रही। सरोज खान ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान ये शेयर किया था कि मैं गाने की सिचुएशन के अनुसार सलमान को स्टेप दे रही थी। डायरेक्टर ने मुझे किरदारों के बारे में जो बताया मैंने वैसे ही स्टेप सभी के लिए तैयार किए थे। जब सलमान ने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ कभी काम नहीं करेगा तो मैंने उसे कहा था कि रोटी अल्लाह देता है, अगर मुझ में हुनर होगा तो तुम नहीं कोई और मेरे साथ काम करेगा। सलमान खान और सरोज खान का रिश्ता हमेशा ऐसा नहीं रहा। कुछ दिनों पहले जब सरोज खान परेशान थी तब सलमान खान ने उनकी मदद की। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।